नमस्कार फ्रेंड्स, स्पेशल चाइल्ड केयर चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं जो सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे हैं उनकी जो कमर घुमावदार होती है, क्रो स्पाइन होती है उनके लिए, और जो बच्चे आगे की तरफ ऐसे गर्दन नीचे करके झुक के बैठते हैं उनके लिए मैं एक्सरसाइज बता रही हूँ कि किस प्रकार से आपको उन बच्चों को एक्सरसाइज करवानी है। तो आपको बच्चे को इस प्रकार से एक सीट के ऊपर उल्टा लेटा लेना है। अगर सीट नहीं है तो आप गद्दा भी ले सकते हो, गद्दे पे बच्चे को लेटा लेना है, क्योंकि अगर बच्चे को आप बिल्कुल फ्लैट समतल जगह पे लेटाओगे तो बच्चे के हाथ है वो ऊपर की तरफ उठाने हैं तो उठ नहीं पाएंगे। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा सा ऊंचाई पे बच्चे को लेटाना है ताकि बच्चे की एक्सरसाइज है वो आसानी से हो जाए। इस प्रकार से आपको बहुत सारी बॉल ले लेनी है ताकि बार बार आपको एक ही बॉल का प्रयोग नहीं करना पड़े। काफ़ी सारी बॉल होगी तो आप आराम से बैठ के एक्सरसाइज करवा सकते हो। इस प्रकार आपको थोड़ी ऊंचाई पे एक कोई खाली टोकरी वगैरह रख देनी है और नीचे आपको इस प्रकार से बॉल को रख देनी है और बच्चे को बोलना है कि बेटा इन बॉल को उठा के ऊपर वाली टोकरी में डालना है। इस प्रकार से आपको एक्सरसाइज बच्चे को करवानी है और बच्चे को आप यहाँ से थोड़ा दबा सकते हो। अगर बच्चा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है तो यहाँ से बच्चे के हिप के पास से थोड़ा सा बच्चे को दबा के रखना है ताकि बच्चा टेढ़ा मेढ़ा ना हो और सही कंडीशन में और सही एक्सरसाइज बच्चे की हो सके। तो डालो बेटा, बॉल डालनी है ऊपर टोकरी में और बच्चे की हाथ की लंबाई के अकॉर्डिंग ये दूरी रखनी है, ज़्यादा दूरी भी नहीं हो कि बच्चा डाल ही नहीं पाए। और दूसरे हाथ को क्या करना है कि इस प्रकार एल्बो के सहारे रखना है बच्चे को कि एल्बो पे बच्चे का पूरा वेट आए और इस प्रकार से आपको बॉल डलवानी है। डालो बेटा, एक एक करके डालो, इससे बच्चे के हाथ भी सीधे हो रहे हैं और कमर पे पूरा वेट आ रहा है बच्चे का, कमर है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है। स्टार्टिंग में आपको पांच या सात बार करवानी है, उसके बाद धीरे धीरे आप बच्चा करने लगे तो आप बच्चे के अकॉर्डिंग करवा सकते हो। अगर बच्चा जितनी कर सकता है आप करवा सकते हो, 15 से 20 बार आप आसानी से करवा सकते हो। हाँ डालो बेटा, फिर से डालो। इस प्रकार से देखो बच्चे का हाथ है वो भी सीधा हो रहा है और डालो बेटा, वेरी गुड। इस प्रकार से आपको ये एक्सरसाइज करवानी है। इसी प्रकार से आपको दूसरे हाथ से भी यही एक्टिविटी रिपीट करनी है। डालो बेटा, इस हाथ से डालो और इस हाथ को ऐसे ही आपको एल्बो के सहारे बच्चे का वेट रखना है और नीचे नहीं रखना, ऊपर डालनी है बेटा और इस साइड में बॉल रख देनी है ताकि बच्चे को लेने में आसानी हो। आराम से डालो बेटा। बीच में जब बच्चा रेस्ट करना चाहे तो बच्चे को एक बार रेस्ट दे दो, फिर से करवा दो। और डालो बेटा, डालो, उठना नहीं है, उठना नहीं है बेटा, हाँ ऐसे ही डालनी है। तो इस प्रकार से आपको ये एक्सरसाइज बच्चे को करवानी है। तो फ्रेंड्स, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना और फ्रेंड्स, इस प्रकार के बच्चे जहाँ कहीं भी आपको दिखाई देते हों तो हमारे इस चैनल की वीडियो है वो ज़रूर फॉलोअप करने के लिए कहना, क्योंकि फ्रेंड्स मैं चाहती हूँ कि इस प्रकार के बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सक्षम हो सकें और अपना कार्य खुद करने की कोशिश करें। और मैंने इस चैनल में जो भी वीडियो बनाई है वो स्पेशल इन बच्चों के लिए है और मैंने मेरे बच्चे में काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है एक्सरसाइज के माध्यम से। तो मैं चाहती हूँ कि इस प्रकार के बच्चे हैं उनको मेरे इस चैनल का फ़ायदा मिल सके, बेनिफिट मिल सके और वो भी काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हो सके। धन्यवाद।